नमस्कार दोस्तों, सुखदेव और आप मेरा चैनल देखे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे अडानी सोलर प्लांट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। अडानी सोलर प्लांट की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आई है और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें आईटीआई के लिए ऑल ट्रेड रखा गया है। आईटीआई अपने डिप्लोमा आईटीआई की हो या अपने डिप्लोमा या अपने ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी वगैरह आपने कर रखे हैं तो आप इस कैंपस में जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस कैंपस में अटेंड होंगे और सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों 18,500 रहेगा, प्लस आपको दोस्तों 7,500 रुपये अटेंडेंस बोनस भी रहेगा। ठीक है, तो सैलरी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिलेगी और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर जॉब अपडेट दी जाती है और साथ ही दोस्तों ऑथेंटिक जॉब अपडेट दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों अडानी सोलर की तरफ से आया है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका कहाँ पे रहेगा दोस्तों, अलग अलग जगह पे रहेगी बट आपका ज़्यादातर जॉब लोकेशन आपका एज ए कक्ष गुजरात में रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अडानी सोलर का जो है कैंपस प्लेसमेंट आपका होगा कहाँ पर, एक्सेस आईटीआई टिकरी नवाबगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हालांकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस जॉब जो है इस कैंपस में अटेंड हो सकते हैं बट कैंपस प्लेसमेंट कहां पर होगा दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो जो भी कैंडिडेट यूपी वगैरह बिहार या झारखंड के आसपास के रहने वाले हैं तो ज़रूर कैंपस में अटेंड हो सकते हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें जाके इंटरव्यू देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है ओपन कैंपस रैप, जहाँ पर भी ओपन कैंपस रहता है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कंपनी जो आ रही है कैंपस के लिए दोस्तों क्या नाम है, मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड कक्ष गुजरात की, यानी ये दोस्तों आपका मुंद्रा सोलर जो है अडानी सोलर के जो है कंपनी है तो अडानी सोलर की तरफ से ये वैकेंसीज आई है। ठीक है, मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड कक्ष गुजरात में, जॉब लोकेशन आपका गुजरात भी रह सकता है, इसके अलावा और भी जगह पर रह सकते हैं बट ज़्यादातर 90% चांसेज आपका कक्ष गुजरात में रहेगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ पर एक चीज़ से ध्यान देने वाली है, ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका ऑन आउटसोर्सिंग पेरोल्स पर रहेगा जो कि मैराक्सी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, डायरेक्ट आपका कंपनी पेरोल पे इसमें जॉब नहीं रहेगा, आपका जो कैंपस होगा दोस्तों ऑन आउटसोर्सिंग पेरोल पे होगा जो कि किसके थ्रू होगा, मैराक्सी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जॉब आपको जो है मुंद्रा यानी कि अडानी सोलर पर ही करना पड़ेगा बट आपका पे वगैरह जो है आपका पेमेंट वगैरह जो सारा चीज़ें जॉइनिंग प्रोसेस से लेकर पेमेंट वगैरह है वो आपका मैराक्सी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है उसके थ्रू आपका रहेगा, यानी कि सेकेंड पार्टी के थ्रू आपका एज ए कंपनी पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। कैंपस कब होगा दोस्तों, यहाँ पर डेट दे सकते हो, 12 दिसंबर को इसका कैंपस रखा गया है और कैंपस का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से इस कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ड्यूटी हावर की अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी रहेगा पर डे और 26 दिन का ड्यूटी रहेगा, यानी कि 4 संडे आपका ऑफ रहेगा। अगर ओटी करते हैं तो आपको अलग से पैसा मिलेगा बट आपका जनरली 8 घंटा की ड्यूटी रहेगा 26 दिन का। ठीक है, और इसमें जेंडर की बात करें तो इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, फीमेल कैंडिडेट इस कैंपस में एलिजिबल नहीं होंगे, तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए कैंपस है। ठीक है, एज की अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एज जो रखा गया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एज यहाँ पर क्या है, 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। ठीक है, तो 18 और 28 के बीच आपका अगर एज है तो आप इस कैंपस में अटेंड हो सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए आईटीआई रखा गया है, डिप्लोमा भी रखा गया है और बीएससी भी रखा गया है। आईटीआई के लिए यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ऑल टेक्निकल ट्रेड यहाँ पर है, तो किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किए आप इस कैंपस में भाग ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आईटीआई की जो टॉप लेवल की ट्रेड होती है यहाँ पर मेंशन भी दे रखा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, एमएमबी हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल टेक्निकल ट्रेड। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट है आप इस कैंपस में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डिप्लोमा भी बात करूं तो यहां पर दोस्तों डिप्लोमा के लिए कुछ ब्रांचेस यहां पर मेंशन है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और केमिकल। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा अगर इस मेंशन ट्रेड से किए हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से तो आप इस कैंपस में जा सकते हैं। अगर आपने बीएससी भी किए हैं बैचलर साइंस तो भी आप इस कैंपस में अटेंड हो सकते हैं। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर सैलरी देखिए सीटीसी सैलरी क्या रहेगा दोस्तों, आईटीआई की जो सैलरी रहेगा दोस्तों 17,500 और डिप्लोमा और बीएससी का सैलरी रहेगा दोस्तों आपका 18,500 पर मंथ। ठीक है, और आपका एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा यानी कि अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी जिसमें देखिए इंसेंटिव अटेंडेंस बोनस आपका 7,500 रुपये रहेगा प्रति 3 माह में। ठीक है,
तो 3 मंथ आप अगर कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, जो भी 26 ड्यूटी है उसमें से एक भी ऑप्शन आप नहीं करते हैं, तो आपका हर 3 मंथ में 7,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी आपके यहाँ पर सीटीसी सैलरी है उसका उसके प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अगर आप ऑप्शन नहीं करते हैं, रेगुलर ड्यूटी करते हैं, तो 7,500 रुपये हर 3 मंथ पर आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा, और ये आपका अटेंडेंस बोनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब्सिडी आपका रहेगा दोस्तों, फुल सब्सिडी, जिसमें आपका 550 रुपये पर मंथ कटेगा, ठीक है। उसके बाद PF हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, कैंटीन उपलब्ध एक टाइम रहेगा, ठीक है। बस फैसिलिटी आपका फ्री रहेगा, इसके लिए कोई भी कंपनी आपसे चार्जेस नहीं की जाएगी, और सिटी से कंपनी और कंपनी से सिटी, ठीक है। तो आपको बस जो जो है सुविधा दी जाएगी, वो उसके लिए आपको कोई चार्ज अलग से नहीं है, बिल्कुल ये फ्री रहेगा, ठीक है। ओवर टाइम या देखिए डबल कंपनी के आधार पर, तो आप अगर OT करते हैं तो उसका आपको डबल मिलेगा, जो भी आपके 1 घंटे का बनता है उसका डबल पैसा आपको OT में मिलेगा, ठीक है। और छुट्टियां 1 वर्ष में अलग से 18 दी जाएगी दोस्तों, और कंपनी का जो छुट्टी है वो तो आपका रहेगा ही, प्लस आपको हर साल 18 लीव मिलेगा, ये बहुत कम कंपनी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1 वर्ष पूरे होने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 800 से लेकर 2,800 सैलरी वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो आप अगर कंप्लीट 1 साल करते हैं सक्सेसफुली, और आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, जो कि मिनिमम 800 से लेकर 2,800 तक आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कैंपस स्थान, यानी कि कैंपस कहाँ पे होगा। एक्सेस ITI टिकी नवाबगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कैंपस होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, जो कि टाइमिंग 10 से 5 बजे के बीच आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं इस कैंपस में जा सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक सैलरी भी आपको मिल रही है, और एज भी ठीक है, 28 साल तक भी ले रहा है कैंडिडेट्स को। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाकर इंटरव्यू जरूर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे।